मामला बांदा के पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय का है, जो एडमिशन को लेकर छात्रों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति और पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य को, जिससे वह छात्रों के प्रति सही निर्णय ले पाए और छात्रों की सीटों में जल्द से जल्द वृद्धि भी करें। हमारी मांगे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय की सीटें बढ़ाई जाएं, बीए, बीएससी और एमए की। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे यहाँ पर महाविद्यालय में हॉस्टल खुला हुआ है जो पूरी तरीके से निर्माणित है, परंतु उसको चालू नहीं कराया जा रहा। पता नहीं कौन से घोटाले की वजह है जिसको ये चालू नहीं करा रहे। तीसरी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत से विषयों में, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम चालू हो गया है, बहुत से विषयों में टीचरों की कमी है। उन टीचरों की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग मांग रखते हैं कि बहुत से आयोग से बुलाएं या तो टीचर, या तो ये संविदा पे भर्ती करें, जिनसे उनकी भर्ती पूरी हो सके और छात्रों को अच्छी शिक्षा सुविधा मिल सके। इसीलिए आज हम लोगों ने लगातार 2 दिनों से आंदोलित है यहाँ पर और अनशन पे बैठे हुए 2 दिनों से। इस बारे में छात्र नेता शैलेंद्र ने कहा कि कुलपति जल्द ही सीटें बढ़ाएं और अगर उन्होंने नहीं बढ़ाई तो ये आंदोलन सभी छात्र अपनी आखिरी सांस तक लेकर जाएंगे। छात्राओं का प्रवेश नहीं ले रहे हैं वो। कितने घंटे हो गए ये अनशन करे हुए आपको? ये अनशन किए हुए लगभग पहले हम लोग 24 घंटे तक पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय परिसर पर बैठे हुए थे और अब अशोक लाट तिराहे पर धरना दे रहे हैं, अनशन करने का कार्य कर रहे हैं। क्या आगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो करेंगे? अगर आगे मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो हम लोग आगे भी आंदोलन करने के लिए बात दूंगे, आमरण अनशन के लिए भी अगर बात पड़ेगी तो बात दूंगे और उग्र आंदोलन तक भी हम पहुंचेंगे। बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी क्रम में छात्रों का अनशन 4th दिन भी जारी रहा। बांदा से अनवर रजा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।